तस्वीरें देख रहे हैं, ये खारियन मुगलनार की तस्वीरें। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे आरजी खंबू के साथ लाइन लटकाई हुई है। यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ पे थोड़ी सी भी बर्फ आ जाती है तो ये लाइनें गिर जाती हैं। आने वाले कल में यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। या आप देख ही सकते हैं कि इन तस्वीरों के जरिए कहीं न कहीं जो बिजली डिपार्टमेंट की पोल खुलती है, आप देख ही सकते हैं कि किस तरह इस हरे हरे दीवदार के साथ जो है तार लटकाई हुई है। यहाँ पे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। व्यूअर्स, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं आपका होस्ट ठाकुर रंगील। आज हम जिला किश्तवाड़ के सब डिविजन छात्रों के गांव खारियन में आए हुए हैं। जैसे नागरिक आप सभी जानते हैं कि हर वक्त दावे किए जाते हैं कि हमारे शहर तरक्की कर रहे हैं, हमारे गांव बदल रहे हैं, हमारे गांव जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, तरक्की पे हैं। इतनी तरक्की हुई है कि जानना चाहेंगे यहाँ के मकामी लोगों से कि अगरचे इन लोगों को 40 साल पहले जो है बिजली डिपार्टमेंट ने बिजली फराहम की गई थी, मगर बड़े अफसोस से यह कहना पड़ता कि आज भी जो यहाँ पे पेड़ों के साथ और लकड़ी के आरजी खंभों के ऊपर जो है लाइन लटकाई हुई है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या यही जो है यही गांव की डेवलपमेंट हुई है? जाना चाहेंगे यहाँ के लोगों से। लगभग 35 साल वो गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड होगा कब से हमें बिजली दी गई है, कब से हमें लाइन आई है। और तब से देखो, पहले तो लकड़ी के खंभों के साथ ही बिजली यानी तारे होती थी। जब से मोदी जी की हुकूमत आई तब से उसने पोल भी दिए, तार भी दिए, हर जगह ट्रांसफार्म भी दिए। और हमारे इस गांव खारियन कांजन नाला में तो यहाँ ना हमें तार मिली है, ना बिजली पोल मिले हैं, ना ट्रांसफार्म मिला है। ये मैं बिजली डिपार्टमेंट से जानना चाहूंगा कि ये हमें किस बिना पर हमें मतलब सौतेली मांग का दर्जा दिया जाता है। नाथराम जी, मुझे जरा ये बताए कि जो सरकारें बैठ करके बड़े बड़े दावे करती कि हमने हर घर में जो है बिजली पहुंचाई है, पोल दिए हैं, अच्छी तार दी है 24, हमें जमीनी सतह पे फेल नजर आ रही है। मेरे ख्याल में ये झूठ बोलते हैं। अगर एक गांव को पहुंचाई होगी बिजली तो 10 गांव का नाम देते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के मुलाजम जो हैं, पीडीडी के जो मुलाजम हैं, डी साहब हैं, वो खुद आकर ये यहाँ मायना करें, यहाँ देखें कि यहाँ कितना सच है कितना झूठ है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं डिपार्टमेंट से कि वो यहाँ आके खुद भी देखें कि हमारी तारें जो हैं तो सबज दीवदारों के साथ लटकाई हैं, सबज पेड़ों के साथ लटकाई गई हैं। तो हमें यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिलता है बिजली के बारे में। बाकी हमें बिजली की बहुत ज्यादा कमी आ रही है। ग्रीन पेड़ों के साथ तारे बिछाई गई है, 30 सालों से ये तारे वैसे की वैसी है, कोई रिपेयरमेंट नहीं हुई यहाँ पे। और मैं पीडीडी डिपार्टमेंट से गुजारिश कर रहा था, तब से हमने एप्लीकेशन 2-4 दी अभी तक और उनकी कोई सुनवाई हुई नहीं। आप क्या मानते हैं जो सरकारें दावे करती हैं कि गांव विकास कर रहे हैं, गांव में डेवलपमेंट हो रही है? गांव में डेवलपमेंट जो है 3-4 चीजों पे देखी जाती है, रोड, बिजली, पानी। जैसे यहाँ पे अगर बिजली की हालत देखी जाएगी तो बहुत खस्ता है। तो क्या कहेंगे, क्या सच में गांव जो है विकास कर रहे हैं? क्या कहना आप? मुझे तो नहीं लग रहा है गांव विकास कर रहा है। कैसे विकास कर रहा है देख लो आप खुद ही हमारे गांव को। और यहाँ पे पीडीडी डिपार्टमेंट ने मीटर लगवाए हर घर में और कोई मीटरों को रीडिंग नहीं उठा रहा है। और ऐसे हमें महीने पे महीने बिल अपने मर्जी से भेज रहे हैं, किसी को 200 भेज रहे हैं, किसी को 400 भेज रहे हैं, जैसी मर्जी आती है वैसी भेजते हैं बिजली बिल। और हमें कोई रीडिंग उठाने नहीं आता है। कम से कम साल हो गया मीटरों को, कोई अभी तक रीडिंग उठाने नहीं आया डिपार्टमेंट का कोई बंदा। और कोई बंदा डिपार्टमेंट का यहाँ ड्यूटी नहीं दे रहा है। और परसों की बात है, यहाँ पे तार गिरी है, हमने जय साहब को भी फोन किया, जय साहब ने फिर अख्तर को वहाँ से हमें खाली एक तारक यहाँ आया और कोई डिपार्टमेंट का बंदा कोई भी नहीं आया यहाँ हमें देखने के लिए। और सुबह तार गिरी है, शाम तक कोई नहीं देखने आया यहाँ पे। 2 घंटे से बिजली चल रही थी, यहाँ से लोग गुजर रहे थे, हमने लोगों को बोला फिर यहाँ तार गिरी है, बिजली कट भी नहीं की उन्होंने, ऐसे गिरी हुई थी। करते हैं कि हमें अगर 10-15 दिन के अंदर अंदर अगर बिजली तार नहीं मिली तो हम 10 दिन के अंदर अंदर जम्मू गवर्नर के पास जाएंगे। फिर बाद में नहीं बताना चाहिए डिपार्टमेंट के हमें क्या हुआ और किसने किया,
क्योंकि आज हम बहुत तंग आ गए, हमें बहुत मुश्किलात है बिजली की। अगर कल भी कुछ भी कोई भी लगा यहाँ पे, कोई माल जान लगेगा, आदमी लगेगा, कोई भी लगेगा, तो इसका डिपार्टमेंट जेई भी डिपार्टमेंट का है, तो जेई भी जिम्मेदार है, सरपंच साहब भी जिम्मेदार है, मेम्बर साहब भी यहाँ पे जिम्मेदार है। अगर इनको जल्दी जल्दी ताकीद नहीं हुआ तो हम जम्मू जाएंगे, 10 बंदे जाएंगे गवर्नर के पास। बाद में ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे साथ क्या लेना है। खारियन के मकामी लोगों का कहना है कि अगर ची इन लोगों को 30 या 35 साल पहले बिजली डिपार्टमेंट ने बिजली फराहम की थी, मगर लकड़ी के आरजी खंभों और हरे पेड़ों के ऊपर जो है नारे लटकाई हुई है। इन लोगों का साफ ये कहना है कि आने वाले कल में अगर यहाँ पे कोई भी बड़ा हादसा होगा उसके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेवार होगा। जो सेंटर में बैठ करके सरकारें बड़ी बड़ी दावे करती है कि हमने हर घर को जो है बिजली पहुंचाई है, कि गांव डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या यही तरक्की कर रहे हैं गांव? बस जो रहे ताजा तरीन अपडेट के साथ दीजिए इजाजत, कैमरामैन साजन कुमार के साथ मैं ठाकुर रंजील, द बोल्ड वॉइस न्यूज खारियन छात्रो। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।